सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? किसकी होगी एंट्री? क्या रोबोट 3.0 में अच्छे VFX का यूज होते हुए दिख सकता है? क्या होगी फिल्म में डैनी डांजोपा की वापसी? कैसे होंगे फिल्म के गाने? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रा स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त मंगीशा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रोबोट 3.0 फिल्म के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि रोबोट 3.0 एक अपकमिंग मूवी है जिसका थलाइवी के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और थलाइवा भी फैंस की एक्साइटमेंट को देखकर जल्द ही मूवी की शूटिंग को शुरू कर सकते हैं। वैसे ही इसकी फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो वो 2010 में हुई थी, पर ऐसे वक्त में सुपर हीरो की मूवी हिट होना और वो भी भारत में काफी प्राउड वाली बात है। साथ ही साथ मूवी के VFX स्टोरी लाइन एंड सॉन्ग्स ने तो फैंस को आज तक उस मूवी के ग्लिम्प्स देते रहे हैं और उसी में हमें इंडिया का हमें पहला बिग स्क्रीन सुपर हीरो मिला जो फैंस को काफी पसंद भी आया। पर फिर इसके सीक्वल को देखने के लिए फैंस को 8 साल का लंबा इंतजार करने को पड़ा और जब मूवी आई तो उसने काफी एंटरटेन किया और एक बार फिर से हमें बॉलीवुड एंड टॉलीवुड का कोलैबोरेशन देखने को मिला। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एंटी सुपर हीरो की भूमिका में नजर आए, क्योंकि भले ही उन्होंने फिल्म में पब्लिक का नुकसान किया था पर उनका इरादा गलत नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि रोबोट के अगले पार्ट यानी कि रोबोट 3.0 में हमें शायद अक्षय कुमार एंड डैनी डांजोपा की वापसी भी देखने को मिल सकती है। यस गाइस, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि इस बार हमें अक्षय के साथ साथ डैनी डांजोपा अपने डेंजरस और खतरनाक अवतार में दिख सकते हैं। दोस्तों, आज भी इस मूवी का टॉलीवुड के बिग बजट मूवी लिस्ट में नाम आता है। मूवी के VFX सीन्स की बात करें तो वो पिछली बार की तरह डेफिनेटली हट के ही होंगे। फिल्म डायरेक्टर की माने तो उन्होंने एक हॉलीवुड VFX कंपनी से भी बात की है और वो जल्द ही उनके साथ मिलकर इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड गाइस, आपको बता दें कि इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का डबल रोल भी देखने को मिल सकता है। लोगों का कहना था कि ये तो इंटरनेशनल लेवल फिल्म है। बताया जा रहा है कि 3.0 को जल्दी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में और किरदार भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और जो हिंदी लैंग्वेज के अलावा कई लैंग्वेजेस में डब की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म की खासियत उसके स्पेशल इफेक्ट्स है जो फिल्म में यूज किए जाएंगे। रही बात गानों की तो आई एम श्योर गाइस, पिछले बार के मुकाबले इस बार मूवी में गाने एकदम हट के मस्त और एंटरटेनिंग होंगे। अब क्या ये फिल्म रोबोट 1.0 एंड रोबोट 2.0 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत और आपकी इस मूवी यानी कि रोबोट 3.0 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्रा स्टूडियोज, जहां पर हर मूवी अपडेट मिलेगी सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फास्ट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।